मंदिरों का सोना सरकार ले रही है लगभग 2000 किलो। ये बात मैं 2018-19 की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, मतलब हम आप जैसे बात करते हैं वैसे ही हम जो है। तो बोले क्या किया जाए? मैंने कहा एक अप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं, मंदिरों का हमारा मंदिर सोना आप क्यों सोना ले रहे आप हो? क्यों ले रहे हो? तो हमने अप्लीकेशन डाली और ये मेरी पहली पिटीशन थी 2019 में टेम्पल से रिलेटेड, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो आगे है, और शायद उसी पिटीशन का नतीजा है कि जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो तो हमने रुकवा लिया कि 2000 किलो सोना मंदिरों का सरकार नहीं ले पाई, नहीं ले पाए। वो मंदिरों के पास रहा। लेकिन सरकार का ऑप्शन एफिडेविट उसी केस में क्या कहता है, चौंक जाएंगे आप। उस एफिडेविट में सरकार कहती है कि जी इसमें कौन सी नई बात है, आज आप मेरे को 2000 किलो क्यों कर रहे हो? 1977 से लेकर 2019 तक 15 तक के आंकड़े उसने बताए थे, हम 5 लाख किलो सोना तो ले चुके हैं सरकार का एफिडेविट कह रहा है कि जी, आप 2000 किलो हमें लेने से रोक रोक रहे रहे हो हो, और हम 5 लाख 1 लाख किलो सोना आज तक केवल तमिलनाडु के मंदिरों से ले ले चुके चुके हैं हैं। जी। बाप रे बाप, ये मैं नहीं कहता, मैं आपको दिखाता हूं ना, बाप रे ये बाप। हिंदू का आर्टिकल है, आप उसमें हाँ, देख सकते हैं, 5 लाख केजी ऑफ द गोल्ड सरकार ले चुकी है, सरकार ले चुकी एक है, राज्य तमिलनाडु एक की, राज्य में, तमिलनाडु की सिर्फ सरकार तमिलनाडु और में, तमिलनाडु के मंदिरों से। तमिलनाडु के मंदिर। ठीक, फिर मुझे ये सुन के तो फिर मैंने लगा कि ये तो सरप्राइज क्या रहा कि जब मैंने अब इसको स्टडी करना शुरू किया तो तमिलनाडु सरकार ने दूसरे केस में, वो एक केस फिर हमने और किया, उसमें उनका एफिडेविट था कि मंदिरों की व्यवस्था को लेकर के, तो बोले मंदिर तो चल नहीं रहे हैं। और उनका दूसरा एफिडेविट क्या कहता है कि तमिलनाडु में 11,999 मंदिरों में एक शाम पूजा नहीं होती, 12,000 मंदिर में पूजा नहीं होती। पूजा नहीं होती, एक बार होती है, अच्छा, एक बार होती है, हाँ, ये कह रहे उनके हैं पास इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था ही इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं है। और उसी एफिडेविट में ये कह रहा है, सरकार कह रही है, मैं बोली नहीं रहा हूं, सब सरकार बोल रही है कि 37,000 मंदिरों में सुरक्षा, पूजा, सफाई, सारी व्यवस्था के लिए मंदिर में सिर्फ एक आदमी है, यानी पुजारी से लेकर चपरासी तक वो बेचारा एक आदमी। मतलब वही झाड़ू पोछा करेगा, वही पूजा करेगा, वही आरती करेगा, वही भोग लगाएगा, वही कथा सुनाएगा, जी वही सबका संस्कार भी कराएगा, जी एक व्यक्ति जी जबकि सरकार उसी दौरान 5 लाख किलो सोना ले ले चुकी। चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए, हम तो चूंकि घर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो कन्वर्जन हो रहा है और तमिलनाडु में बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि 5 लाख किलो सोना, किलो सोना अगर 100-100 ग्राम सोना बांटे, 100-100 ग्राम सोना बांटे तो 50 लाख लोगों की घर वापसी हो सकती है। अभी तो आपने सिर्फ एक राज्य का सुना है, अभी तो पिटारा बाकी है, आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसा सबको पता है कि भारत में मंदिर को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजियस सेंटर हैं वो फ्री हैं, फ्री है, स्वतंत्र है वो। स्वतंत्र हैं, हाँ, मंदिर आज भी गुलाम है, परतंत्र है, हिंदू धर्म का ये केंद्र माना जाए भारत को, वहां पर एक भी मंदिर आज ऐसा नहीं है जो सरकार के अनुदान से बना हो, एक भी बिल्कुल नहीं, मंदिर सरकार के अनुदान से नहीं नहीं बना। बनाना। हमने ये आरटीआई डाली कि अच्छा ये 5 लाख किलो सोना आया तो गया कहां, गया क्वेरी है, अभी इतने मंदिर बंद हो गए, सोना आया सरकार ने लेकिन गया गया कहां? कहाँ? 5 लाख, पांच तो लाख किलो 5 लाख किलो, और ये सिर्फ सोना सोना, अभी पैसा हमने बताया नहीं, हाँ पैसा अलग है, हाँ इनकम अलग है। ये आरटीआई में लॉ स्ट्रीट जनरल का आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, इसमें ये कह रहा है कि वेयर डज द टेम्पल मनी गो, स्टेट एंड सेंटर अथॉरिटीज हैव नो आंसर, लॉ स्ट्रीट आरटीआई रिवील्स तो उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमको नहीं पता जी। कि हाँ 5 लाख करोड़, 5 लाख किलो सोना आया था, हाँ इतना निकला पर उसका यूटिलाइजेशन कहां हुआ इसके लिए उनके हमें पास नहीं आंकड़ा पता, नहीं है हमें कि कहां यूटिलाइज हुआ। नहीं। जून 2022 मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर, जब हम लोग इस केस में घुसे तो केस में ये हुआ कि जो आप उसमें मूर्तियां देखते हैं वो मूर्तियां गायब करके डुप्लीकेट मूर्तियां वहां रखी हुई हैं, ओ, क्योंकि सोने से ज्यादा महंगी मूर्तियां हैं, सालों हजारों साल पुरानी पुरानी मूर्ति, मूर्तियां हैं। उसको गायब करके उसकी ये डुप्लीकेट रखी गई। जब ये मामला उठा गया हाँ, तो 40,000 मंदिरों की फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने 2022 में, फॉरेंसिक, क्योंकि हमें पता ही, हम तो पूजा करें ना, हम तो मूर्ति के असली की फोटो कर रहे पास हैं में। कि नकली वाली जो रख दी गई हाँ उसी कर रहे हाँ हो? ठीक, 60 सालों में आजाद भारत में किसी भी मंदिर जो सरकार कंट्रोल करती है उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष की जीडीपी में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? भारत की जीडीपी में। जीडीपी में हम एक ऐसा अकेला धर्म है या धर्म संस्थान है या वो न्यूक्लियस है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, मंदिर हमारे जो है। मंदिर है, जो भारत की जीडीपी का 2.35% कंट्रीब्यूट करते हैं, ये मंदिर इकोनॉमी से सरकार को मिलता है मतलब दो ढाई दशमलव लाख तीन ढाई परसेंट पांच प्रतिशत लगभग 2.5% हो गए। और ये आंकड़ा है जो भारतवर्ष के हेल्थ बजट से ज्यादा है, भारतवर्ष के एजुकेशन बजट से ज्यादा है, जो भारतवर्ष का डिफेंस बजट है लगभग 2.5% का, उससे थोड़ा सा कम, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैष्णो देवी पे लोग इतना सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या तिरुपति पे जो इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या सिद्धि विनायक में चढ़ा रहे हैं, या जो बड़े बड़े मंदिर हमारे बड़े प्रोमिनेंट मंदिर है, तो लोग चढ़ा तो रहे हैं अपने भगवान श्रद्धा के को, बदले। श्रद्धा के,
और सरकार उसको ले रही है, वो सरकार के पास जा रहा है और और मंदिर में वो और रखने के वो लिए हिंदू धर्म के हित में, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ खर्च भी नहीं हो रहा कुछ है, नहीं हो वो रहा। पैसा वहां जाते सेकुलर हो जा रहा है। हाँ सेकुलर हो जाता, तभी तो मैंने पूछा यूज कहाँ होता, तो उनका जवाब नहीं था। अब आप लेटेस्ट देखिए, राम मंदिर का जो क्वांटम था वो 5,450 करोड़ था, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने मना कर दिया था पैसा मत देने। दो, ठीक बात है, मना किया। और एक चीज बता दूं, ये 5,450 करोड़ रुपया जो है ये उस साल के भारत के डिफेंस बजट से ज्यादा था। तिरुपति से, तिरुपति बालाजी से हर साल 3,023 करोड़ रुपए सरकार के पास जाता है। वैष्णो देवी से 2,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। अंबाजी से 4,000 करोड़ रुपए जाता है। द्वारकाधीश से 1,200 करोड़ रुपए जाता है। सोमनाथ से लगभग 1,200 करोड़ रुपए जाता है। गोल्डन टेम्पल से 690 करोड़ रुपए जाता है। ये हकीकत है। और जो गोल्ड का जो डोनेशन होता है, ये तो पैसे जो मैंने पैसे बताए, गोल्ड का डोनेशन जो एवरेज देखा गया है, मैं दो मंदिरों का बता देता हूं। जो तिरुपति बालाजी में लगभग हर साल 130 किलो सोना डोनेट होता है, और शिरडी के साईं बाबा जो कहे जाते हैं वहां पे हर साल 380 करोड़ रुपए, 380 किलो किलो सोना, सोना डोनेट होता है, और ये सरकार के पास जाता है। और ये जो जो भी डोनेट हो रहा है ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के काम में कोई नहीं आ कोई रहा नहीं आ रहा है।